नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल शॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी फ्यूचर मल्टीबैगर शेयर है, तो ऐसे में क्या इस कंपनी को करेंट प्राइस पे बाई करना चाहिए? जो लोग बाई करने की सोच रहे हैं या फिर जो लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी का डिटेल क्या बनता है। आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यह कंपनी क्लोज हुआ था 8.10 रुपए पर। तो अगर इस कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें तो आप देखेंगे 9.45 रुपए का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा और इस कंपनी का अगला टारगेट भी सेम लेवल आपको देखने को मिलेगा। अगर इस कंपनी की बात करें डिलीवरी की, तो आप देखेंगे 3.5 करोड़ से ज्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। यानी दोस्तों, जैसे ही इस शेयर में एक ब्रेकआउट आया, लोगों ने दबाकर माल खरीदना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या आपको भी बाई कर लेना चाहिए? देख लेते हैं आगे चार्ट वाले सेक्शन में। तो अगर इस कंपनी के डेली चार्ट पे हम डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे कंपनी ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया और यह कंपनी इसके ऊपर निकल आया है, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि उसके बाद इस कंपनी में एक बड़ा टारगेट भी टच होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी के अगर हम पहले टारगेट की बात करें तो 8.50 रुपए का कंपनी का पहला टारगेट है और उसके बाद 9.45 रुपए का दूसरा टारगेट। जैसे ही यह कंपनी 9.45 रुपए का लेवल क्रॉस करके इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको 12 रुपए का दूसरा टारगेट देखने को मिल जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल जाएगा। कंपनी फ्यूचर में बहुत ही बड़ी टारगेट को टच करने वाला है, तो जो लोग इस कंपनी को ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जो लोग बाई करने की सोच रहे हैं वो चाहे तो करेंट प्राइस पे इस कंपनी को बाई कर सकते हैं क्योंकि कंपनी में अभी काफी ज्यादा ग्रोथ बचा हुआ है। हालांकि शॉर्ट टर्म में आपको छोटे मोटे गिरावट देखने को मिलेगा। कंपनी अगर डाउन जाता है तो 7.90 रुपए का पहला सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी अगर इस लेवल को ब्रेक करके इसके भी नीचे जाता है तो फिर 7.40 रुपए का अगला सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इंटर हो रहे हैं वो चाहे तो 7 रुपए के पास अपना स्टॉप लॉस लगाकर इस कंपनी को बाई करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले बने रहें और अगर यह कंपनी आपको नीचे प्राइस पे मिल जाता है तो इस शेयर को आप चाहे तो एवरेज भी करके चल सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। आप देखेंगे गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है पूरे सेक्टर को, तो ऐसे में इस सेक्टर के जो छोटे शेयर से उनमें काफ़ी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।